हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आई होप आप सब लोग ठीक होंगे तो मेरा नाम है महक जैन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्पाइस जेट की जॉब वैकेंसी के बारे में स्पाइस जेट हायर कर रही है रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के लिए डेजिग्नेशन जो है वो है एग्जीक्यूटिव रिजर्वेशन डिपार्टमेंट है आपका रिजर्वेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन अगर परसुइंग कर रहे हैं या आपने ग्रेजुएशन करी है किसी भी स्ट्रीम से डजेंट मैटर आपने बी कॉम किया हुआ है ब किया हुआ है बी एस सी किया हुआ है आप जा सकते हैं वॉक इंटरव्यू -in देने के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये वॉक इन इंटरव्यू है आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा जॉब लोकेशन है वो आपकी गुड़गांव है बिफोर इंटरव्यू आपके साथ कुछ ऐसी रिक्वायर्ड स्किल्स भी शेयर करूंगी जो आपके लिए बेनिफिट बेनिफिशियल है इंटरव्यू में जाने से पहले रिक्वायर्ड स्किल्स में आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से आप जा सकते हैं और जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन पर सुइंग कर रहे हैं वो भी इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं इंटरव्यू में जाने से पहले आपकी जो एज होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में योर एज शुड बी एटीन टू ट्वेंटी सेवन ईयर्स एज इंटरव्यू से पहले आपकी एज एटीन से ट्वेंटी सेवन ईयर्स के बीच में होनी चाहिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है गुड इन वर्बल बोथ हिंदी एंड इंग्लिश रिटिन इंग्लिश आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश आपने एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दोनों लैंग्वेज में बात कर सके रिटन इंग्लिश आई टेल यू द कि आपकी ये जो तो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट की क्या जॉब होगी आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा वहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन है आपकी द जॉब इन्वॉल्व्स हैंडलिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स ऑफ स्पाइस डेट एक्सटर्नल एंड इंटरनल कस्टमर्स परटेनिंग टू तो बुकिंग्स आपकी जो जॉब होगी वो इन बाउंड एंड आउट बाउंड कोर्स होंगी कस्टमर्स की तरफ से आपके पास कॉल आएंगे वो आपको हैंडल करनी है कस्टमर आपको क्वेरीज के बारे में बताएंगे कंप्लेंट्स आपको बताएंगे वो आपको कुछ तरीके से ये जॉब्स हैं वो आपको एग्जीक्यूटिव एक, रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में कुछ इस तरीके की रिस्पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो आपको हैंडल करनी पड़ेंगी बुकिंग्स करनी पड़ेंगी आपकी स्पाइस जेट की बुकिंग्स करनी पड़ेंगी क्वेरीज अगर कंप्लेंट्स कस्टमर्स के पास कोई भी क्वेरीज होती है वो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी कंप्लेंट हैंडलिंग करनी पड़ेंगी आपको टू रिस्पॉन्ड ऑन द क्वेश्चन अबाउट एयरलाइन एंड रेगुलेशन असिस्टिंग कस्टमर्स ऑन देयर ट्रैवल प्लेस अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यूज

जॉब रिस्पॉसिबिलिटीज आपके अंदर कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए टाइपिंग नॉलेज आपको होना चाहिए इफ यू हैव अ कंप्यूटर स्किल्स टाइपिंग नॉलेज आप जा सकते हैं इट विल बी भीडेड एडवांटेज ये आपके लिए एडवांटेज होगा कॉन्फिडेंस होना चाहिए एबिलिटी होनी चाहिए पैसेंजर आप हैंडल कर पाए एंड प्रोवाइड ऑनली द बेस्ट कस्टमर सर्विस आप अच्छे से कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर पाएं कस्टमर्स को इफ यू हैव अ कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस आपने किसी भी जॉब में आपके पास कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है देन आप जा सकते हैं वर्क इंटरव्यू देने के लिए इट वुड बी बूज एडवांटेज फॉर यू गर्स द कैंडिडेट शुड बिलिंग टू वर्क इन रोटेशन शिफ्ट ट्वेंटी फोर सेवन ऑपरेशन वेल इट कम्स टू एयरलाइंस नाइट शिफ्ट एंड मॉर्निंग शिफ्ट होते हैं तो आपके अंदर यह विलिंग एस होनी चाहिए कि आप रोटेशन शिफ्ट में वर्क कर सकें आई ऑलरेडी टोल डू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वेल एटीन टू ट्वेंटी सेवन ईयर एज आपकी होनी चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले इंटरेस्ट कैंडिडेट्स में वॉक इन विद अपडेड रिज्यूम एट द बिलो मू एंड वेन्यू डिटेल्स आई एल गिव द वैन्यू इन मई डिस्क्रिप्शन बॉक्स काइ आपका जो रिज्यूम होना चाहिए वो एकदम अपडेटेड होना चाहिए ये नहीं आपने बहुत सारे रिज्यूम ऐसे ही बनाकर रख ली हैं एंड आप उन्हें वहाँ सबमिट कर दिया है तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपका जो रिज्यूम होगा वो अपडेटेड होना चाहिए एंड आई गिव द वैन्यू इन माइ डिस्क्रिप्शन बॉक्स काइज तो आप वॉक जो डिपार्टमेंट आई ऑलरेडी टोल यू रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग हो रही है इंटरव्यू का जो वेन्यू होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू वन थिंग गाइस आई ऑलरेडी अपलोडेड लॉट्स ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पाइस जेट जॉब वैकेंसीज़ स्पाइस जेट क्वेश्चन आंसर्स कैबिन क्रू के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं अपनी वीडियोज़ में आप मेरे चैनल पर सारी वीडियोज़ देख सकते हैं एंड जो ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड स्पाइस जेट के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी मैंने ऐड कर रखे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वो मैंने वो भी मैंने ऐड कर रखी है तो आप कुछ ऐसी वीडियोज़ भी मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं सो प्लीज़ गाई सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच थैंस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यूड फॉर द अपकमिंग वैकन्सीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने चाहिए थैंक यू सो मच गायर थैंक्स फॉर वॉचिंग